बस एक गोली और 5 मिनट तक आपके अंदर की सुपर पावर एक्टिवेट। क्या आप यूज़ करेंगे ऐसी ड्रग? आज की मूवी प्रोजेक्ट पावर भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी। तो देरी क्यों, लेट्स स्टार्ट। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब एंड शो सम सपोर्ट, इट वुड मीन अ लॉट। नाउ दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट। मूवी स्टार्ट होती है न्यू ऑर्लीन शहर के एक शिपयार्ड से, जहां पर हम एक ड्रग डील होता देख पाते हैं। यहां पर एक बड़ा डीलर कुश्ती डीलर के साथ डील कर रहा था। डील ये था कि वो प्रोडक्ट यानी कि ड्रग्स को उन्हें फ्री में देगा एंड इन्हें बस इसे मार्केट में बेचना था। इस ड्रग्स का नाम था पावर ड्रग, जिसे खाने पर इंसान को 5 मिनट की सुपर पावर मिल जाती है। लेकिन आपको कौन सी पावर मिलेगी, आपको ये उसे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। नाउ मार्केट में ड्रग्स आग की तरफ फैल जाती है एंड इज ऑन हैवी डिमांड। नाउ स्क्रीन चेंजेस एंड हम रॉबिन नाम की एक टीनेज लड़की को देखते हैं। रॉबिन के फादर बहुत पहले ही गुजर चुके थे एंड प्रेजेंट में उसकी बस एक मदर थी। रॉबिन की मदर को डायबिटीज़ है एंड उसे ठीक करने के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है। इस पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रॉबिन स्ट्रीट्स पर पावर ड्रग बेचा करती है। यहाँ पर 3 यंग लड़के रॉबिन से ड्रग खरीदने आते हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर उससे ड्रग्स फ्री में छीनने की कोशिश करते हैं। बाइक पर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर फ्रैंक आता है एंड रॉबिन को अरेस्ट करके बाकी 3 लड़कों को यहाँ से भगा देता है। बाद में हम फ्रैंक और रॉबिन को बात करते देखते हैं एंड वी कम टू नो कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फ्रैंक एक बहुत ही पेट्रियोटिक पुलिस ऑफिसर था, जिसे अपने शहर से बहुत ही प्यार था। वो इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। फ्रैंक रॉबिन से अक्सर पावर ड्रग्स खरीदता था, इसलिए इन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट इतनी अच्छी कि फ्रैंक यहाँ पर रॉबिन को एक बाइक गिफ्ट के रूप में देता है। अब हम एक कार रेडियो की आवाज़ सुनते हैं, जिसमें हम किससे सुनते हैं, अबाउट द पीपल जिनके पास सुपर पावर्स थे। कार मेजर चला रहा था एंड ही इज़ आवर मेन हीरो। मेजर एक पुरानी बिल्डिंग में जाता है क्योंकि वो न्यूट नाम के एक ड्रग डीलर को किसी इन्फॉर्मेशन के लिए मिलना चाहता था। मेजर को न्यूट मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि मेजर उससे कुछ पूछे, न्यूट एक पावर ड्रग खा लेता है एंड हम न्यूट की सुपर पावर्स को एक्टिवेट होते देखते हैं। इसकी सुपर पावर थी फायर। न्यूट अटैक्स मेजर, लेकिन मेजर न्यूट को हरा कर उससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेता है अबाउट द ड्रग रैकेट लीडर, जिसका नाम था बिगी। एंड इसी के साथ न्यूट एक्सप्लोड हो जाता है क्योंकि उसने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी। एक्सप्लोजन में हम मेजर को किसी फ्लैशबैक्स में आते देखते हैं, जिसमें मेजर की बेटी को कोई उससे किडनैप कर रहा था। नेक्स्ट डे रॉबिन के घर में शुरू होता है, जहाँ पर उसकी मदर उसे उठाती है क्योंकि उसके स्कूल जाने का टाइम हो गया था। न्यूज़ से रॉबिन की मदर को पिछले रात वाले इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड वो रॉबिन से न्यूट को कॉल करके उसके हालचाल पूछने को कहती है। न्यूट वही था जो पिछले रात ड्रग ओवरडोज से एक्सप्लोड हो गया था। न्यूट रॉबिन का कज़िन था एंड इन्हें इसके मौत के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता। रॉबिन स्कूल जाती है, जहाँ पर वो क्लासेस के दौरान न्यूट को टेक्स्ट कर रही थी। पिछले फाइट में मेजर ने न्यूट का फ़ोन अपने पास रख लिया था एंड नाउ मेजर का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए नया सोर्स रॉबिन थी। टीचर रॉबिन को फ़ोन यूज़ करते पकड़ लेता है एंड रॉबिन गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर मेजर न्यूट की फ़ोन की मदद से न्यू सोर्सेज ढूंढ रहा था, ताकि वो जिस चीज़ के लिए न्यू ऑर्लीन्स आया है उसकी इन्फॉर्मेशन उसे मिल सके। एट द सेम टाइम सिटी में बैंक रॉबरी हो रही थी, जहाँ पर फ्रैंक अपनी पुलिस फोर्स के साथ पहुँच जाता है। अब यहाँ ब्लैक सूट में कुछ एजेंट्स आते हैं एंड सिचुएशन को पुलिस से टेक ओवर कर लेते हैं। फ्रैंक यहाँ पर एक पावर ड्रग खा लेता है एंड उसकी सुपर पावर हमें बाद में पता चलेगी। फ्रैंक बैंक के अंदर जाता है, जहाँ पर रॉबर एक इनविजिबल आदमी के फॉर्म में मिलता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है, जहाँ पर रॉबर फ्रैंक की गन से उसी को सर में गोली मार देता है। लेकिन गोली फ्रैंक के सर के अंदर नहीं, बल्कि वापस रिबाउंड हो जाती है। यानी कि फ्रैंक की सुपर पावर थी बॉडी आर्मर एंड सुपर पावर। गोली लगने के बाद भी फ्रैंक सबके सामने ही उठकर रॉबर की बुरी तरह से पिटाई कर देता है एंड सबको पता चल जाता है कि उसने भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर पुलिस चीफ उससे उसकी गन और बैच वापस मांग लेता है, लेकिन फ्रैंक पुलिस चीफ को अपनी बातों से मना लेता है। चीफ फ्रैंक को यहाँ पर एक फ़ोटो देता है एंड ये फ़ोटो थी इस पूरी पावर की मेजर सोर्स, जिसका नाम था मेजर। मेजर कैफे में दूसरी ओर रॉबिन का वेट कर रहा है एंड रॉबिन इवेंचुअली वहाँ पर अपनी कज़िन न्यूट को ढूंढते हुए पहुँच जाती है। मेजर रॉबिन को पकड़ लेता है एंड अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है। रॉबिन यहाँ पर बहुत ही डर जाती है क्योंकि मेजर उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे मदद ना करे तो उसकी मदर को मार डालेगा। रॉबिन मेजर को एक लोकल ड्रग डीलर के पास लेकर पहुँचती है, जहाँ पर डीलर और मेजर के बीच फाइट हो जाती है। मेजर फाइट में जीत तो जाता है, लेकिन उसकी पीठ में गोली लग जाती है। मेजर जब अंदर रॉबिन के पास आता है, वहाँ पर उसे रॉबिन में उसकी बेटी ट्रेसी की हेलुसिनेशंस आती है। इन दोनों को अंदर एक सीक्रेट रूम मिलती है, जहाँ पर ड्रग माफिया उन लोगों को मॉनिटर कर रहा था जो लोग इस पावर ड्रग का यूज़ कर रहे थे।
बेसिकली ये पावर ड्रग एक प्रोटोटाइप था जिसे ये लोग लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उनके पावर्स और साइड इफेक्ट्स के डाटा कलेक्ट कर रहे थे। पिछले फाइट में मेजर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है एंड इस मौके का फ़ायदा उठाकर रॉबिन यहाँ से भागने लगती है, लेकिन मेजर रॉबिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इसमें हेल्प करे क्योंकि इन लोगों ने उसकी बेटी ट्रेसी को किडनैप कर लिया था। दूसरी ओर फ्रैंक रॉबिन के घर पहुंचता है जहां पर पहले से ही काले सूट में दो एजेंट्स खड़े थे। ये दो एजेंट्स रॉबिन की मदद से पूछताछ कर रहे थे अबाउट रॉबिन। फ्रैंक घर में चुपचाप घुस जाता है एंड एजेंट्स के सामने ऐसा पोर्ट्रेट करता है जैसे कि वो भी इस घर का हिस्सा है एंड उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। एजेंट्स के जाने से पहले फ्रैंक गाड़ी में एक फ़ोन लगा देता है ताकि वो इनकी लोकेशन को ट्रेस कर सके। नाउ स्क्रीन चेंजेस जहाँ पर रॉबिन और मेजर इस ड्रग रिंग के लीडर की तलाश में निकल पड़ते हैं। रॉबिन मेजर से पूछती है कि व्हाट्स योर पावर, तुम्हारी पावर क्या है, जिस पर मेजर सेज कि उसने एक बार पावर ड्रग ली थी एंड उसने बहुत लोगों को मार डाला था। ड्राइव करते वक्त मेजर को फिर से हेलुसिनेशंस आते हैं अबाउट हर डॉटर। पावर ड्रग माफिया बहुत पहले ही पास में मेजर और उसकी बेटी के पीछे पड़ गए थे क्योंकि ट्रेसी के डीएनए में कुछ ऐसा था जिससे ये लोग पावर ड्रग को बेटर बना सकते थे। ड्रग माफिया सक्सेसफुली ट्रेसी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं एंड तब से मेजर अपनी बेटी ट्रेसी को ढूंढने में लगा हुआ है। रॉबिन एंड मेजर यहाँ से एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर पावर ड्रग्स की डील हो रही थी। यहाँ हम पावर ड्रग्स की रियलिटी को अच्छे से जान पाएंगे। पावर ड्रग के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान थे, यानी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों को बार बार इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक गोली और ज़िंदगी भर अनलिमिटेड पावर। एंड ये पावर क्या होगी ये तो आपको इसे खाने के बाद ही पता चलेगी। पुलिस ऑफिसर फ्रैंक इवेंचुअली फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए यहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर उसे रॉबिन मिलती है। रॉबिन उसे मेजर की पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं सुनता। उसके मुताबिक मेजर ही इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। फ्रैंक भी डील के बीच में पहुंच जाता है जहां पर सब एक दूसरे को मारने लगते हैं एंड एंड में फ्रैंक मेजर को अरेस्ट कर लेता है। गाड़ी में मेजर फ्रैंक को फैक्ट्स बताता है कि किस तरह से वो ड्रग का सोर्स नहीं था। वो फ्रैंक से कहता है कि उसे गलत इन्फॉर्मेशन देके उसे ट्रैप किया गया था। जल्दी यहाँ पर ड्रग माफिया आने वाली थी एंड इन सबको मार डालेगी एंड एग्जैक्टली होता भी ऐसा ही है। ड्रग माफिया यहाँ पर पहुँच जाती है लेकिन फ्रैंक कार में नहीं होता है, वो पहले ही भाग चुका था क्योंकि मेजर ने उसे एक प्लान बताया था। ड्रग माफिया मेजर को अपने बेस में ले जाती है जहाँ पर वो लोग उसे कैद कर लेते हैं एंड फाइनली हम इस ड्रग्स के पीछे के मास्टरमाइंड को देखते हैं। दूसरी ओर फ्रैंक और रॉबिन भी फैसिलिटी के अंदर ब्रेक इन कर चुके थे। बंदी हुआ मेजर यहाँ पर एक किस्सा सुनाता है अबाउट अ क्रीचर पिस्टल श्रिम्प, जो कि एक बहुत ही छोटा जानवर है, लेकिन पिस्टल श्रिम्प अपने बॉडी से सूरज की गर्मी से 8000 डिग्री ज़्यादा गर्मी रिलीज कर सकती है, जिससे होगा ये कि आसपास की सारी चीज़ें भाप में तब्दील हो जाएगी एंड इसी के साथ मेजर एक पावर ड्रग खा लेता है। बट वेट, अभी तक उसकी पावर शो नहीं हुई। रॉबिन ट्रेसी को ढूंढ लेती है एंड ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर उन्हें मेजर और फ्रैंक भी मिल जाते हैं। शिपयार्ड में रेड अलर्ट हो जाती है जिससे पूरी ड्रग माफिया इन्हें घेर लेती है। इन सब की स्टोरी का दी एंड जल्दी होने वाला है, लेकिन अब हम देखते हैं द पावर ऑफ मेजर। मेजर अपने अंदर से हीट वेव्स रिलीज करता है जो कि इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी ओर बढ़ती हुई बुलेट्स को पिघलाकर आसपास के सब लोगों को भाप बना देती है। नाउ हैप्पी टाइम, दुश्मन सबकी छुट्टी हो जाती है। रॉबिन मेजर फ्रैंक ट्रेसी चारों जिंदा बच गए थे। फिर रॉबिन को ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं जिसकी मदद से वो अपनी मदर का इलाज कर लेती है। मेजर और ट्रेसी अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। दी एंड। पावर प्रोजेक्ट मूवी इज अ वन टाइम मूवी एंड स्टोरी इज क्वाइट गुड, बट लेट्स टॉक अबाउट सम लूप होल्स। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मेजर की हीट वेव से आसपास के सब कुछ भाप में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन रॉबिन जो कि लिटरली उसे 5 फुट की दूरी पर खड़ी थी उसे कुछ नहीं होता। फिर आती है द किडनैपिंग सीन जहाँ पर ट्रेसी को ड्रग माफिया किडनैप कर लेते हैं लेकिन मेजर को जिंदा छोड़ देते हैं। अच्छा, आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरा पूरा दिन बना सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।